हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त दीपिका फ्रॉम उत्तराखंड। नाश्ते का टाइम है तो मैंने सोचा क्यों ना बच्चों के लिए ब्रेड पिज्जा बनाया जाए। मेरे बच्चे पिज्जा बहुत अच्छा मानते हैं, तो मेरा मैदा वगैरह नहीं था कि मैं वैसे पिज्जा बना सकूं। कभी कभी मैं पिज्जा बेस ले आती हूँ तो उसके थ्रू बना लेती हूँ, तो मेरे पास ब्रेड थी तो मैं ब्रेड पिज्जा बना रही हूँ। तो साथ साथ खाना भी बन रहा है, बल्कि बन गया है। खाने में बनाया है हमने आज राजमा और बनी है लाई की सब्जी। बच्चे एकदम पसंद नहीं करते हैं ये खाना, तो दाल चावल तो बच्चे खा लेंगे, सॉरी राजमा चावल, तो हरी सब्जी खाना पसंद नहीं करेंगे। तो मैंने सोचा कुछ नाश्ते में बना ही दिया जाए। रसोई फैली सी ही हो रही है क्योंकि सब फैला हुआ है सामान। तो मैंने पिज्जा के लिए लिए हैं कॉर्न, पनीर, अनियन, टमेटो चॉप कर लिया है, इसके अलावा लिया है ग्रेटेड चीज, और ये रही हमारी ब्रेड और ये पिज्जा सॉस। अब मैंने ले ली है डायरेक्ट माइक्रोवेव वाली ट्रे, और मैंने ब्रेड ले ली है, और अब मैं इसमें लगा रही हूँ पिज्जा सॉस। मैं रेडीमेड ही यूज कर रही हूँ। ये लगा दी, इसके अलावा उसके ऊपर हमने कर दी हमारा ग्रेटेड जो चीज है वो स्प्रेड कर दिया। बच्चे चीज अच्छा मानते हैं तो ये मैं खूब सारा लगाती हूँ। अब थोड़े डाले इसमें टमेटो, अनियन, कॉर्न और मशरूम तो मेरे बच्चे बहुत ही अच्छा मानते हैं। ये डाले कॉर्न और थोड़ी सी पनीर के पीस। हिमाद्री पता है क्या करती है, वो ना सारी ये सब टॉपिंग्स खा लेगी, लास्ट में ब्रेड छोड़ देती है। तो मैं इसे भरा भरा सा बनाती हूँ। थोड़ा सा इसमें मैं डाल रही हूँ ओरिगानो, बच्चे अच्छा मानते हैं डला हुआ, ऊपर से नहीं डालते तो मैं इसमें ही डाल देती हूँ। थोड़ा सा मैं नमक इसमें स्प्रिंकल कर दूंगी, हल्का सा डाल दूंगी, और थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ी सी चीज ऊपर से और स्प्रेड कर देंगे। तो ऐसे ही मैं दूसरे ब्रेड पिज्जा भी तैयार कर लेती हूँ, उसके आप बेक करने के लिए हम डाल देंगे इसे माइक्रोवेव में। क्योंकि ट्रे छोटी है इसलिए बहुत ज्यादा नहीं आ पाएंगे, तो मैं दो दो करके बना रही हूँ। अब मैं इसे माइक्रोवेव में रखने के लिए जा रही हूँ। ये लगा दिया मैंने स्टैंड, और ये रखा अपना पिज्जा। और ये मैं माइक्रो पावर वाले में ये पांच, पहले मैं 3 मिनट ही रख रही हूँ, 3 मिनट के लिए इसे बेक कर देती हूँ। ये हो गया ब्रेड पिज्जा तैयार। अब मैं हिमाद्री को और गर्व को दे देती हूँ, और फिर अपने लिए उसके पापा के लिए बाद में बनाऊंगी। हिमाद्री कह रही है दोनों मैं ही खाऊंगी, तो मैंने ये दे दिया है हिमाद्री को, अब भाई के लिए अब बनाऊंगी। गर्व खा रहा है पिज्जा, कैसा बना है भाई साहब? टॉप। हिमाद्री, मैंने कहा था ना हिमाद्री सब ऊपर का चट कर जाएगी और ब्रेड छोड़ देगी, ये ऐसा ही करती है। ये है हमारा बाड़ा, जो हमारी टेनेंट है गंगा, उसने गुड़ाई करी है। यहाँ बो दिया है उसने लहसुन, और इस पोर्शन में बोया है धनिया। मिस्टर प्रदीप पंत ने कहा कि तुम भी खाओ हम भी खाएंगे, तुम गुड़ाई करो। और इधर बोया है लाई जाने चोलाई। ये फूल का पेड़, ये अनार यानी दाड़िम का पेड़ है। इधर भी शायद अभी कुछ बोया नहीं है या बो दिया होगा, मुझे पता नहीं है। ये आ गया गुड़हल का पेड़, और ये है हमारा चकोतरा। कितना झुक गया है, चकोतरे इतने मोटे मोटे होते हैं कि वो अपना वजन खुद सहन नहीं कर पाते, और बिल्कुल नीचे लटक गया है। और ये है नींबू, बहुत सारे नींबू निकले हैं, थोड़े मैंने अपने ससुराल भेजे और मेरे पास रखे हैं, उसका मैं कुछ ना कुछ बनाऊंगी, तो मैं आपको भी आपके साथ भी डेफिनेटली शेयर करूंगी। ये नींबू का इन्होंने थोड़ी चटनी करी है क्योंकि बहुत बड़ा हो गया था, जहाँ नींबू गिर रहा है वहाँ नया पेड़ हो जा रहा है। ये है अमरूद का पेड़,
और यह है आंवले का। अभी इसमें छोटे छोटे कह रहे थे 4-5 आंवले निकल रहे हैं बस, अभी मेरा ध्यान नहीं जा रहा, पता नहीं जिधर को भी हो रहे होंगे लेकिन हो रहे हैं, ज्यादा नहीं है। फिर थोड़ा इन्होंने देखिए आज छटनी कर रखी, काट दिया है इधर, ये काफी नींबू का पेड़ भी काफी काट दिया है। तो मैंने सोचा आपको अपना बाड़ा दिखाती हूँ। बस मैंने चावल चढ़ा दिए हैं, बच्चों को ब्रेड पिज्जा दे दिया है, लगभग 6 बनाए मैंने सब बच्चों के लिए, अपने आप मैं नहीं खाया, मैंने कहा चलो मैं सीधे खाना ही खाऊंगी। सुबह सुबह घर की साइकिल निकल जाती है, वो रही हिमाद्री की ट्राई साइकिल, एक साइकिल और है जिसका हैंडल घर ने ऊपर ले गया और तोड़ दिया। कपड़े हमारे 2-3 बार के धुल गए हैं, यहाँ हमने इस टाइप से फैला दिया है। ये बेडशीट मैंने कल खरीदी, जो पुराने कपड़े देकर के दरी बनाते हैं या चादरें बनाते हैं उससे खरीदी। खैर ये उसकी बनाई हुई नहीं है, लेकिन मेरे पास बहुत इकट्ठे हो गए थे कपड़े, मैंने उससे कहा ले सारे कपड़े ले जा और मुझे ये चादर दे दे, तो इस पे भी उसने मुझसे 500 रुपए लिए और इतने सारे कपड़े दिए, तब उसने मुझे ये 500 की दी है। खैर फैब्रिक अच्छा है, अच्छी है, मोटी चादर है, पसंद आई मुझे, और दोनों तरफ से ही हम बिछा सकते हैं। और एक चादर वो वूलन वाली बना के लेके आएगा, 350 रुपए मुझे उस पे भी देने हैं। बच्चे कुछ ना कुछ उल्टी हरकतें करते हैं, कमरे में आ गए हैं। छोटा सा मैं ब्लॉग बना रही हूँ, ज्यादा टाइम भी नहीं है कि बनाऊं, घर के और काम भी बहुत होते हैं। और आज हमारी एक टॉयलेट सीट जो है वो टूटने वाली है, क्योंकि हमारी इंडियन थी और मम्मी को बैठने में बहुत परेशानी हो रही है, तो हम एक को वेस्टर्न इंडो वेस्टर्न वाली बना रहे हैं। तो बस मजदूर जो काम करने वाले हैं वो आने वाले हैं, तो मैंने कहा उनके आने से पहले सब काम निपटा दिया जाए, तो आज इंडो वेस्टर्न वाली सीट लग जाएगी। क्योंकि मम्मी जिस दिन आई उस दिन मम्मी के पैरों में बहुत सूजन थी और मम्मी मतलब टॉयलेट जा ही नहीं पा रही थी, इतनी तकलीफ हो रही थी। तो मम्मी ने कहा कि मेरी ये चेंज ही कर दो एक, क्योंकि नीचे भी 2 टॉयलेट है, तो एक सिंपल हो जाएगी इंडियन और एक वेस्टर्न टाइप की हो जाएगी। तो चलिए इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का एंड कर रही हूँ। मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।